फिरोजाबाद के नगर निगम के वार्ड नंबर 63 में दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच मतदान को लेकर जमकर मारपीट और पथराव हो गया। पूरी घटना थाना रसूलपुर के लालपुर क्षेत्र की है, जहां नगर निगम के वार्ड नंबर 63 के फॉरेंसिक विद्यालय पर वोट पड़ रहे थे, तभी प्रत्याशी और उनके समर्थकों के बीच वाद विवाद हो गया। ये विवाद इतना बड़ा कि देखते देखते पथराव होने लगा। घटना की सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उपद्रवियों को खदेड़ा। नहीं मालूम जितिन भाई, हम तो लेबर कॉलोनी में थे, हमको 20-25 मिनट पहले सूचना मिली कि बूथ नंबर 410, 11, 12, 13, 14, 15 पर कोई झगड़ा हो गया और वहां पर कुछ यादव लोग हैं कोई सूरज निशान से प्रत्याशी हैं बाट के पार्षद, उन्होंने पथराव कर लिया है, पूरी तरह से पोलिंग को डम कर लिया है और मुस्लिम लड़कों को, मुस्लिम आबादी को वहाँ नहीं घुसने दे रहे हैं। तो हम लोग वहाँ से निकले, तब तक 5 मिनट में ही तकरीबन 8-10 फोन हमारे पास पहुँच गए। हम लोग यहाँ आए हैं, हमने देखा है ईंटें सड़कों पर पड़ी हुई हैं, लोग गलियों में किकिया रहे हैं, बड़े बूढ़े रो रहे हैं, औरतें विचलित हैं। हमने माननीय इंस्पेक्टर महोदय साहब से, इंस्पेक्टर रसूलपुर साहब से बात की है, उनका कहना ये है कि इन लोगों ने पथराव हमारे साथ किया है। इंस्पेक्टर साहब ने ये भी कहा है कि आप अपना पोल कराइए, हमने पोल किया, लेकिन पब्लिक इतनी ज़्यादा दहशत में है कि वो आने के लिए एग्री नहीं है। अब इस विषय में हम अपने वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे, फिर जरूरत पड़ने पर माननीय जिलाधिकारी जी से और कप्तान साहब से, एसएसपी साहब से भी बात करेंगे। मतदान रुक गया है? मतदान हमारे साथ तो, हम तो गए नहीं है, रुका हुआ है शायद, हम अंदर नहीं गए, हमारी इंस्पेक्टर रसूल साहब से बात हुई है, लेकिन पब्लिक से हमने निवेदन भी किया है कि इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कि आप 6 बजे तक लाइन में लग जाइए, जो लोग लाइन में लग जाएंगे उनका वोट पड़वाएंगे, लेकिन पब्लिक वो सामने 100 मीटर दूरी पर खड़ी हुई है, वहाँ से यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। कितने ही लोग रो रहे हैं, औरतें और आदमी, हम उनसे बात कर रहे हैं लेकिन शायद समझाने में उनको हम असमर्थ हैं, वो इतने ज़्यादा डर गए हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी योगेंद्र ने बताया कि कुछ लोग फर्जी वोटिंग करा रहे थे, जब उन्हें रोका गया तब उन पर पथराव कर दिया गया, जिससे काफ़ी नुकसान हो गया। लेकिन मैं तो भाई, मेरा वोट ही नहीं, मैं तो शांत बैठा खड़ा रहा था, मैं देखता रहा, मैंने बताया मैंने फर्जी वोट मत डलवाइए। लेकिन परसों अथिया जी आए थे, परसों के एक दिन पहले, परसों ही आए थे, तो इसी बात को लेकर इन्होंने पथराव चालू कर दिया हमारे ऊपर। हमने खूब इधर उधर भागे। क्या क्या नुकसान किया? हमारी गाड़ी टूट गई है, सीधे फूट गए, ऊपर बोनट ऑनर गाड़ी के चले गए, रेलिंग पे चक गई है, दो लड़कों को चोट भी है। यह हमारा बॉर्डर पे अकेला घर है, जो लोग यहाँ कोने पे, हम बिल्कुल बिल्कुल कोने पे रहते हैं। हम यहाँ पे कोई हिंदू नहीं है? हिंदू तो है, हम बिल्कुल लास्ट में रहते हैं। अच्छा, कुछ वीडियो आपके चत से भी वायरल हो रहे हैं, वो क्या कैसी? आपके चत से कुछ वीडियो वायरल हो रही है, पथराव करते हुए वीडियो वायरल हुई। उधर से पथराव बाहर खड़े हुए, जब उधर से पथराव सबसे पहले हुआ, फोर्थ बैठा था, फोर्थ को भी मालूम है सबसे पहले कहाँ से पथराव हुआ है, फोर्थ बताएगा इस चीज को। फिर हम बाहर खड़े हैं तो हम कैसे बचेंगे, फिर हमारे ऊपर पथराव हुआ तो फोर्थ के भी ऊपर पथराव हुआ है। वही घटना के बाद वोटरों में खौफ पैदा हो गया, सड़कों पर भारी संख्या में ईंट पत्थर जमा हो गए, लोग वोट डालने के बजाय घरों में कैद हो गए। पुलिस ने इस मामले में शिकायत लेकर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फिरोजाबाद से अर्शद अली की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।